एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चाशुंबे के रोज जिले सूर्यापेट के कुडाड में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मानिकराव ठाकरे ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को तेलंगाना रियासत में जबरदस्त रद्दअमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बुनियादी मकसद कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम को मुल्क के हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के जरिए कांग्रेस पार्टी मरकज में बीजेपी हुकूमत और रियासत तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो का इनेकाद तेलंगाना के तमाम असेंबली हलकों में किया जाएगा। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया और 60 साल ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। ताहम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया और समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है। नलगुंडा के अपने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस कायदीन के उस दावे को मजाक का खेस करार दिया जिसमें वो तेलंगाना को एक मॉडल रियासत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुल्क की सबसे खुशहाल और माशी तौर पर मजबूत रियासत बनने की सलाहियत मौजूद है। ताहम वजीर आला चंद्रशेखर राव ने उन इम्कानात को बर्बाद कर दिया और रियासत को कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में रियासत तेलंगाना ने तवील मुद्दती मुजमरात को नजरअंदाज करते हुए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हासिल किया। ताहम इतना ज्यादा कर्ज लेने के बाद भी एक भी फलाही स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया जिसके नतीजे में रियासत आज शदीद माली बहरान का शिकार है।